हम लोगों का या लग्जरी विला में इस स्टे अब एंड होने वाला है और हम लोग यहाँ से चेकआउट करने के लिए रेडी हैं. देन वी विल हेड बैक टू अवर न्यू प्लेस. डोंट वरी, हम लोग सैंटोरिनी छोड़ नहीं जा रहे हैं. हम लोग इवन ये भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं. बहुत ही पास में हमने एक दूसरा लग्जरी अपार्टमेंट बुक किया है. सो वी विल शो यू दैट अपार्टमेंट सून. और ये जो लग्जरी विला था बहुत ऑसम था. मुझे सर, व्हाट डिड यू वाज योर फेवरेट थिंग हियर? सनसेट व्यू, क्योंकि जब हम लोग ये बुक कर रहे थे हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि सनसेट व्यू अमेजिंग आना चाहिए. बाकी उसके बाद जो हमको यहाँ पर अमेजिंग ब्रेकफास्ट मिला विद टेरेस विद द मॉर्निंग व्यू और जो डिनर था एंड द हीटेड पूल, वो सबने पूरे एक्सपीरियंस. क्योंकि मैं और सौरभ ना इतना हीटेड पूल्स में हम लोग जाते नहीं. हम लोग कभी भी आपको देखेगा नहीं कि हम वाटर में अंदर जा रहे हैं. बट दिस टाइम वी वेंट इन एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज ऑफ द हीटेड जो पूल था. तो आप शाम को भी आए या आप सुबह भी उठे, तो यू ऑलवेज हैड द गुड टेंपरेचर. सो वी रियली एंजॉयड दैट पार्ट ऑफ दिस विला एज वेल. और ऐसा सन आ रहा है ना, बिल्कुल. बट राइट, हम अब टाइम है जाने का हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में. और वो कहाँ जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट अपार्टमेंट क्या होने वाला है? क्या वो लग्जरी होने वाला है? क्या वहाँ से हमें भी हमें सनसेट का व्यू दिखेगा? वो सब जानना है तो देखते रहिए हमारी ये ट्रैवल सीरीज. सो लेट्स गो एंड सी. तो आपने देखा सौरभ और जो एक नया बंदा, उसका नाम दिमित्री है. दिमित्री जो कि हमारा एक और नया अपार्टमेंट का ओनर है, कैसे बैग उठा रहे थे. अभी हम कर रहे हैं कार के लिए. उसी ने हमारे लिए कार बुक करी है और कार है 60 यूरोज की फॉर वन डे. और उससे हम लोग जाने वाले हैं फीरा. और ये भीड़ है और हम बहुत देर से यहाँ खड़े हैं तो वो कार नहीं आ रही है, तो वो कार देखने गया है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल हु आर स्टैंडिंग waiting for something. Maybe their car, maybe their taxi, maybe their bus. And it's too hot. But तो भी September month है तो थोड़ा कम है temperature. वो बता भी रहा था कि अभी उससे तो एक हफ्ते पहले बहुत windy था और उससे एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा temperature था. तो it's much better and cooler. चलो यही चीज़ सोच के हमें खुशी मिल रही है. But now we are waiting. सो फाइनली पूरे आधे घंटे के बाद हमारी कार आ गई है. हमने सोची थी हमारी कार इतनी आएगी, ऐसी होगी, छोटी सी चाहिए थी, बगल में होगी, बड़ी थोड़ी वैसी होगी, क्योंकि हमने पे किया है 60 यूरो फॉर अ डे. तो फिर वो बोला कि छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी मिलेगी. हमने कहा कि ठीक है, थोड़ी बड़ी भी चल जाएगी, हम क्या ला लेंगे. बट अब आपको दिखाते कि बड़ी मतलब क्या आई है हमारे पास. वी हैव दिस, वी हैव अ जीप, ओपन जीप. ये है, we were looking for car ताकि sunburn ना हो, हम बैठे आराम से AC में जा सकें. But looks like मैं सबको बोल रही हूँ कि return करते, but Saurabh wants to be adventurous. उसे वो से ये कार चला रही है. Last paper सब कुछ full भी है और time लगेगा, दूसरी कार पता नहीं आए कि नहीं आए. So today we are going to drive the jeep. Jeep. Let's start the journey. Let's start the journey. Let's go. कार टूर का टाइम है. कार टूर? Is there something in this? I was looking for AC in the car, but we got this open jeep. At least shade है बस. Let's start the journey. Made it from our open jeep. सब धूल धक्कड़ गर्म हवा. ऐसा है ओपन, सौरभ ऐसे टर्न कर रहा था ना, तो मैं ऐसे सीट बेल्ट ना, तो ऐसे बाहर ही निकल जाऊँ पूरी टोटली. 20-25 मिनट का ड्राइव था. अभी एक्चुअली 60 यूरो भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि
क्या है ये? हाँ, ये अजीब है. और व्हाटएवर, बट देन अभी जा रहे हम फिरा, एंड फिरा इज आल्सो द कैपिटल ऑफ सेंटोरिनी. यहाँ से ऑलमोस्ट हमने जो पार किया बहुत भार है, 20 मिनट का वॉक है यहाँ से. और अगर आप बस से आते हैं तो हमने बताया भी था दूसरे वीडियो में, 1.5 यूरो का टिकट है बस का. सो वर्सेस 60 एंड वर्सेस 1.5 इज अ बिग डिफरेंस. और ऑफ कोर्स वो थोड़ी भीड़ है वहाँ बस में, मगर अगर आप बस में अंदर घुस गए आपको सीट मिल गई. दोनों ही एडवेंचरस है अलग अलग तरीके से. नाउ वी विल स्टार्ट आवर ट्रिप टू फिरा, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ सेंटोरिनी. लेट्स गो. तो पहुंच गए हैं फीरा, एंड लुक एट द व्यू. तो ये व्यू है और यहाँ दो क्रूज खड़ी हुई है. अनाजना स्काई काफ़ी क्लियर है, तो ये तो आइलैंड्स दिख ही रहे हैं आपको. और अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उसके उस आइलैंड के बियॉन्ड भी एक आइलैंड दिख रहा है. और फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है कि ईआ से ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं, ईआ से ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, ईआ से ज़्यादा यहाँ पे रहने के ऑप्शंस हैं. क्या ईआ से ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू है? लेट्स फाइंड आउट. It's so difficult to climb up all the stairs. हर दिन हम लोगों को almost 15 to 20 kilometers का walk हो रहा है. Stairs से walk करते करते, parking से पहले walk कर रहे थे, फिर बाद में हम चले गए towards old port और वहाँ से ऊपर walk करते करते आए तो हालत खराब हो गई. देखी थी आपने? You can see my sweat है पूरा. और आपने देखा ही था वो stairs कितना difficult था. और वहाँ पे ना donkey के shit का पड़ा हुआ था और shit का smell भी आ रहा था. तो अभी ऊपर आके short break ले रहे हैं, छोटा सा break. और ऑर्डर किया है सम फ्रेश जूसेस. सी द व्यू, द व्यू इज अमेजिंग. एंड वी आर कलर ब्लॉकिंग टुडे, येलो एंड पिंक. तो कहीं भी बैठे ना अच्छा पिक्चर आ रहा है. पूरा वॉकिंग पाथ है जिसपे आप देख रहे हैं लोग वॉक कर रहे हैं. और डिफरेंस ये है, यह हमें थोड़ा स्ट्रेट है, यहाँ पे ना पहाड़ी के ऊपर 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 जाना है. और फिरा से भी सनसेट दिख सकता है क्योंकि एज फार एज यू नो अभी सनसेट उधर हो रहा है. सो मोस्ट लाइकली यहाँ से सनसेट दिखना चाहिए. और वो ईया है उधर, दिस इज ईया. एंड ये एक जो माउंटेन दिख रहा है सामने, ये बहुत फेमस पीक है जिसके ऊपर ऐसा छोटा सा दिख रहा है. एंड दिस इज यू सी, दिस इज ऑल फीरा यहाँ पे भी. और उधर अभी उधर का एंड दिख नहीं रहा है, बट दैट साइड एज वेल. तो पहुँच गए एक फेमस स्टॉप विच इज दिस
चर्च जो मेरे सामने है, एंड थ्री बेल चर्च बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें थ्री बेल्स हैं. और ओरिजिनली तो यहाँ पे है ना केव थे, दो केव्स थे और इसके अंदर चर्च था, बट ऑफ कोर्स इसे रिनोवेट करके अब प्रॉपर चर्च बना दिया है. और इस पे लिखा भी है कि अर्थक्वेक के टाइम पे है ना ये डिस्ट्रॉय हो गया था 1956 के अराउंड, बट फिर से 1960 में से रीबिल्ड कर लिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस चर्च, थ्री बेल्स जिसके ऊपर है. और ऐसा सौरभ बोल रहे हैं कि अगर ऊपर जाएंगे ना तो ये थ्री बेल से इसका बहुत अच्छा व्यू आएगा. सो अभी हम नीचे हैं, तो अभी और ऊपर जाएंगे तो लेट्स सी द व्यू, लेट्स गो. पहुंच गए हैं ऊपर एंड दिस इज़ द व्यू. सो दिस इज़ द ब्लू डोम, द थ्री बेल्स एंड द व्यू एंड मी इन येलो ड्रेस कॉन्ट्रास्टिंग एवरीवेयर. इस ड्रेस का पहनने से यही फ़ायदा है कि किधर भी खड़े हो जाओ अच्छा ही पिक्चर आ रहा है. हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा एंगल वैंगल, बाकी तो अच्छा ही पिक्चर आ रहा है. वैसे यहाँ कार पार्किंग है तो आप डायरेक्ट कार से भी आ सकते हैं, और अगर चाहे तो ऊपर आए भी ना इसे मिस भी कर सकते हैं अगर आप ईआ में ऑलरेडी रह रहे हैं. सो दिस कैन बी ईजली मिस्ड, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे ब्लू डोम्स ईआ में दिख ही जाते हैं. अब चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट्स को. लेट्स गो. And we found this. इतनी गर्मी में. Place to drink. इतनी गर्मी है तो ये ऑर्डर करो. ये बहुत ही tempting सा लगा फोटो में, तो मुझे ये पीना है lemonade. Let's go. यहाँ में तो वो लोग इस टाइम पर ड्रिंक्स के लिए जगह देते ही नहीं है. अभी हमको यहाँ दे दे. तो आ चुका है हमारा पीटा ब्रेड with butter, lots of butter actually, and this is what I ordered. Lemon soda, awesome, with ginger. ये था हम लोगों का अडे स्पेंड इन फिरा. Now we are heading back to parking और अपनी जीप लेके हम वापस जाएंगे. वापस जाएंगे आर जी. पहले हमारा बहुत प्लान था कि बीच पे जाएं साउथ में, बट नाउ वी आर फाइनलाइज कि हम वापस जाएंगे हमारे ईआ में और जो नया अपार्टमेंट है वहाँ चेकिंग करेंगे. सो देखते रहिए, अगर रास्ते में कोई अच्छा स्पॉट दिखा सो विल ट्राई टू फ्लाई ड्रोन. सो अगर आपको संतोरनी बजट में घूमना है फिरा इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टे, क्योंकि ये सेंट्रल है बिल्कुल आइलैंड का और यहाँ से आप ईआ जाने के लिए बस कर सकते हैं 1.5 यूरो में, सिर्फ 1.6 यूरो में. और भी जो अलग अलग स्मॉल विलेज है, बीच है, वहाँ के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगी. एंड ऑफ कोर्स यहाँ से भी आपको सनसेट का व्यू मिल जाएगा जो हमने स्पॉट बताया है हमारे ब्लॉग वीडियो में. यू कैन जस्ट स्टैंड देयर एंड एंजॉय द सनसेट. This was the parking जहाँ हम लोगों ने हमारी parking free है. जी पार्क किया, parking free है. Of course, island पे. ये island ना आपको सेंटोरिनी में बहुत beautiful सा दिखेगा, but सेंटोरिनी island में ईआ बहुत beautiful सा दिखेगा. वो फारो उस तरफ बहुत beautiful दिखेगा, but उस जगह से बाहर आते ही you will find it that like any other place and it's very dry and ये पेड़ भी बहुत कम दिखेंगे एंड इट्स डर्टी एज वेल. तो ये रियलिटी है. सारी कार पर धूल इतनी आती है बिकॉज इट्स ड्राई. तो और ना फ्लड भी जब आता है क्योंकि कुछ पेड़ वेड़ नहीं है तो सब मतलब जब रेन्स आते हैं तो फ्लड आ जाता है. सो इट्स मोर ऑफ लाइक मोराक्को वाला फीलिंग दे रहा है. नाउ आई जस्ट वंडर कि मेरी जीप में. हाँ, क्योंकि जीप में वो तो थी नहीं. ओपन है वो तो. स्टनिंग है या हमारा जीप. So our adventure begins again. And we are ready to go back to ईआ. Yeah.
Let's go. In our jeep. And we are back to our गाड़ी मतलब जीप रिटर्न कर दी हम लोगों ने और शायद बताया नहीं बट 60 यूरोस थे अगर बताया नहीं तो 60 यूरोस थे और बता दिया तो फिर वापस बता देते 60 यूरोस लगे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि या में कोई गैस स्टेशन नहीं है हाँ तो अगर आप बहुत लंबा ड्राइव करके आ रहे हैं और आपको वापस उसको फ्यूल करके फिल कराना है तो आपको रास्ते से ही करा के आना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ में नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा हमने उसको बोला कि हम बस फिरा गए थे वापस आ गया उसने बोला ठीक है बहुत ही पास था ये सो डोंट टू टू वरी अबाउट इट वरी अबाउट द रिफ्यूलिंग ऑफ द कार ओके बट वी आर बैक टू ईआर व्हिच इज जस्ट मच मोर प्रीटियर प्लीज हम नहीं बोल रहे थे ऐसा वो ग्रीक वाले ग्रीक लोग ही बोल रहे थे नाउ वी आर एंजॉयिंग आवर ईआर मोर देन फिरा या इट्स टाइम टू चेक इन टू द न्यू प्लेस यस लेट्स गो तो यहाँ पहुँच चुके हैं जैसे आपको पता ही है और अभी आपको थोड़ा ज्योग्राफी समझाते हैं तो वो क्रूज़ दिख रहे हैं वो वहाँ पे से भी दिखा रहे थे हम आपको तो वो क्रूज़ और उसके सामने जो था वो था फिरा जो उधर एक वाइट हाउसेस दिख रहे हैं आपको सो दैट इज़ फिरा एंड ये ही पूरा आइलैंड देखिए ये पूरा आइलैंड ऐसा ये माउंटेन रेंज जा रहा है ये पूरा ऐसे 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 आता जा रहा है एंड नाउ हियर वी आर